of Bamla is a hoshiyar. Shaan-e Hindustan, Mughliya Saltanat ke sarparast, badshahon ke badshah, shehnshahon ke shehnshah, Jalaluddin Muhammad Akbar tashreef la rahe hain. महाराजा दरबान फिर से बुलाई। बा अदब बा मुलाहिजा हो। पूरा नहीं, आखिरी का बोली। ला रहे हैं दरबान। कौन क्या ला रहा है? धोबी कपड़े ला रहा है? खैर छोड़िए, भोपू लाइए, हम खुद बुलाते हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हाजिर हो। जलो अब देखिए, देखिए ना आपा इधर है। हाँ हाँ उधर ही तो देख रहा हूँ। आपा देखिए ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना ना सही, लेकिन आपके वक्त का तो ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम अपनी प्यारी सी नींद तोड़कर यहाँ पे कब से खड़े हैं, लेकिन बादशाह अकबर को हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अरे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ। तो किस बेवकूफ की बात कर रहे हैं आप? अरे मैं तो आपा के बारे में बोल रहा हूँ। अम्मी जान ये देखिए, आपको बेवकूफ कह रहे हैं। मैं आपको बेवकूफ कह सकता हूँ? ना ना ना, सुनने की आदत नहीं है, और आइंदा ऐसी हरकत मत करना मिर्जा। ये जलाल है कहाँ? गर्मा गर्म पकौड़े। भैया कुछ खाने को है क्या? है ना, हमरा सर है, आओ खाओगे? अरे सब खा रहे तो तुम भी खाओ। अच्छा चलो प्याज के पकौड़े दो। क्या कहा आपने? अरे प्याज के पकौड़े और क्या? प्याज के पकौड़े? उठ उठ उठ, अरे बैठो भैया बैठो। कितने प्याज के पकोड़े चाहिए? 7-8 दे दो। ठीक है परसों मिलेंगे। परसों? भाई हमें अभी खाने? अरे का पुड़बक, तुम भी हमरा से मजाक करता। प्याज के पकौड़ा बनावे के खातिर हमरा के प्याज के व्यापारी के साथ सौदा करे के बा। उकर बाद अगला दिन वो हमरा के प्याज ला के दे, फिर जाके हम तोहरा के दूसरा दिन प्याज के पकौड़ा दे। ठीक है फिर हम बाद में आते हैं। अरे रुको रुको, अरे पकौड़े के दाम तो देते जाओ। अब पकौड़े परसों खाएंगे तो फिर परसों ही दाम देंगे? अरे ना भैया ना, प्याज के पकौड़े अगर तुम्हें खाने हैं तो दाम तो तुम्हें अभी देना पड़ेगा। कितनी मोहरे देनी होंगी? 10 मोहरे। 10 मोहरे? सोने के तेल में तल रहे हो क्या? एक मोहर में आते हैं प्याज के पकौड़े? अरे कितने साल पहले खाते रहे बबुआ? पिछले हफ्ते खाए थे। चोरी करके? पागल हो गए हो क्या? शकल से चोर लगते हैं तुम्हें। अरे शकल तुम्हारा कहाँ दिख रही है? चोर नहीं, लेकिन इस सहारवा में तो बिल्कुल नया लगा था। प्याज के भाव नहीं क्या मालूम का? अरे प्याज का भाव आसमान छू रहल बा। अरे भैया 2 मोहरे में प्याज के पकौड़े चखने तो दूर, ताकने को भी नहीं के मिलेंगे। हाँ प्याज के पकौड़े। तुम्हें तो पता ही नहीं प्याज इतनी महंगी हो गई है, भूख बहुत लगी है, आलू के पकौड़े ही खिला दो। ठीक है ये लो आलू के पकौड़े और 4 मोहरे दो। मेरे पास तो 2 ही मोहर है,
अरे ओ फकीर चंद, अब रहने ही दो बस। अरे जनाब, इना दो, भूखा है बेचारा। चार मोहर दो तब जाके मिलेगा आलू के पकौड़े। कम है, अभी तो दिया मैंने। लेकिन ये तो तीन ही मोहरे हैं। दोबारा गिनो, कितने हुए? अब हो गई तीन। और मैंने कितने दिए? एक। पहले कितनी थी? तीन। एक और तीन मिलाकर कितने हुए? चार। हाँ, तो मोहर चार तो पकौड़े आठ। लेकिन अगर मैं दो मोहर दूं तो कितने पकौड़े आएंगे? दो में चार। हाँ, लेकिन यहाँ तो मोहर चार है तो पकौड़े हुए आठ, है ना? तो अगर मैं 16 पकौड़े लूं तो आठ मोहर दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैंने चार मोहर दी इसलिए हुए पकौड़े आठ। तो ये चार पकौड़े जो है तुम खाओ, खाओ लंबे चौड़े हो, खाओ खाओ बैठ के खाओ। नहीं समझे? अरे यार समझाना पड़ेगा। देखो, मोहर थी चार तो पकौड़े आठ, खाए चार तो बचे चार, तो ये जो बचे चार हैं ये भी ये ठूस सकता है। ये लो भाई, ये लो, आराम से खाओ, शर्म मत करो, जिसने की शर्म उसके फूटे कलम। ए बुड़बक, ये फोकट का माल है का? ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। दो मोहर में से एक दी, बची एक तो मैं एक और देता हूँ ना। तो ये लीजिए एक मोहर, और बचे कितने? दो पकौड़े। तो ये दो पकौड़े भी ये खा सकता है। ओ भाई साहब, ओ लंबू, ये लो दो पकौड़े, खाओ खाओ। समझ में आया? लगता है समझ गए। खाओ खाओ दोस्त, खाओ। आठ, हमारा दिमाग एकदम खराब हो गया। ये बुड़बकवा इतना सारा पकौड़ा खाया और इतना पकौड़ा का चार मोहर होना चाहिए, हमरा को मिला एक मोहर। अरे ये तो हमरा के बुड़बक बना दिया। ओए, अरे भीड़ क्यों लगा रखी है? किनारे हटो, हटो किनारे हटो। खैरात की खीर बट रही है क्या? मुंह उठाए और आ गए। एक एक करके सबको देखने को मिलेगा। जन्नती दूरबीन है, जब तक हमारा हाथ नहीं लगेगा चलेगी नहीं। दो मोहर, दो मोहर, सिर्फ दो मोहर। जन्नती दूरबीन से जन्नत को झांको, दो मोहर। जनाब, ये जन्नती दूरबीन क्या है? मियां, ये बहुत ही महान आविष्कार है। अच्छा, इस दूरबीन में हम सीधे जन्नत में बैठे अपने महरूम अब्बा जान को देख सकते हैं। क्या क्या बकवास चल रहा है हमारे इस रियासत? क्या कहा? तुम्हारी रियासत? बातें तो ऐसी करते हो जैसे लगता है कि अकबर के भांजे। रियासत? हमने कब कहा रियासत? हम तो अकबर को जानते तक नहीं। और ये अकबर कौन सी चिड़िया का नाम है हम नहीं जानते। अकबर चिड़िया नहीं, हमारा शेर है। ठीक है, आप अपने काम पे जाइए जनाब, जाइए। कुछ दिख नहीं रहा? अरे आंखें खोल के देखो, एक आंख, दोनों बंद करके, दिख नहीं रहा है। देखे अबू? नहीं, बीच में बादल नजर आ रहे। बीच में बादल नहीं है, बदन है। बदन? बदन जमुना बाई का बदन। आसमान की तनकदार, तनकदार हुस्न की दरकार। खुश मत हो, वो जमुना बाई जिसे बीच में बिठा कर तुम्हारे अब्बू बातें कर रहे हैं दोजख में, कहां से दिखेंगे तुम्हें? हटो, मुझे बात करने दो। ओ चाचा, अब तो छोड़ दो, उम्र हो गई है। अब्बू जान के इंतजार के पहले तो वो बड़े शरीफ थे। हाँ यार, बड़े भोले हो तुम। देखो, ऊपर जाने के बाद ना सबको हवा लगी जाती। ऊपर वाले मालिक ने सारी मलाई अपने पास रख ली, नीचे तो सिर्फ छास है। दुखी मत हो, अब्बू मलाई खा रहे, तुम छास पियो मेरी दो मोहर। बट मैंने तो अब्बू को देखा ही नहीं। अब्बू को देखा नहीं? सबको बोल दो दोजख में क्या कर रहे हैं अब्बू। अरे नहीं 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 नहीं, मोहर दो। अब देखो, शायद दिखे। दिखे अब्बू, दिखे दिखे, जन्नत में अब्बू दिखे। हाँ भाई, दूसरा कौन है? आओ, तुम हो, आओ। अरे यार, तुम फिर आ गए, तुमसे ना होगा। जन्नत में पकौड़े नहीं मिलते?
क्या वाकई इस दूरबीन से जन्नत दिखती है? ऐसी बातें कर, जब दिन में तारे दिख सकते हैं, ढूंढने से खुदा मिल सकता है, तो ये जन्नती दूरबीन से क्या जन्नत नहीं दिख सकती? तुम्हें अगर किसी को देखना है तो नाम बताओ उसका। हम अपनी दाई जान को देखना चाहते हैं। दाई जान, दाई जान, दाई जान, दाई जान किधर हैं? दाई जान का महकमा, दाई जान का महकमा मिल गया। दाई जान, तुमने बताया नहीं तुम्हारी दाई जान की मुझे? किनारे हो जाओ मुंह लेके। दाई जान, जान किधर है? मिल गई दाई जान। मिल गई। पता क्या कर रही है? क्या कर रही है? अपने दांतों से अखरोट तोड़ रही है। अखरोट? देखो देखो। अच्छा, हमारा सलाम कहना। देखिए दाई जान। नहीं नहीं। अच्छा, जो अखरोट खा रही थी इसकी दाई जान, तुम लोग क्या देख रहे हो? इसकी दाई जान है, पीछे चलो। झांकने आ गए। कमाल है आज। आज कोई जन्नत में है नहीं। दाई जान दोजक में होंगी, बोल दो सबको। दाई जान ना दोजक में है ना जन्नत में। क्यों? वो जिंदा है, बोल दो सबको। अरे देखो देखो, इस इंसान को देखो, अपनी जीती जागती दाई जान को मार के महरूम कर दिया। चुप करो। जन्नत कहो, दाई जान ने सुन लिया तो? हाँ बेटा, जन्नत कहो। तुमने तो उनको मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है, तुम तो मारोगे उनको। अरे मरवाओगे यार, अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा। अरे बिल्कुल सही वक्त पे आयो बाबा, अल्लाह के नाम पे ना इसको दो, ये लो। आपकी तरह ही लुखा है, ये नहीं देगा, मैं देता हूँ। ये लो, एक मोहर और ये दूसरी मोहर। आज तो प्याज के पकौड़े खाऊंगा। प्याज के पकौड़े? अम्मा यार एक बात बताओगे, ये प्याज इतना महंगा क्यों है? आसमान नीला क्यों? ये नीचे पानी गीला क्यों? पजामा ढीला क्यों? नहीं तुम्हारा नहीं, ऐसे नजूमी हूं क्या? सवाल पे सवाल पे सवाल। लेकिन प्याज के दाम यूं करके नीचे गिरा सकता। कैसे? ये मान लो ये प्याज और ये इसका दाम, गिर गया प्याज का दाम। ये लो पकड़ो, खुश रहो। बड़े मजाकी हो। अरे क्या बताएं लाला, मजाक तो बादशाह की सियासत ने किया है महंगाई के साथ। कैसे? तुम इतने संजीदा क्यों हो? नहीं सियासत नहीं, कैसे तुम नहीं समझोगे, सियासी बातें हैं। हाँ लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक दिन में प्याज के दाम गिरा जरूर सकता हूँ। खा लेना। अरे फिर भीड़ लगा ली, हटो यार, चलो। चित्रकार, और कितना वक्त लगेगा हमारा चित्र बनने में? बस हो गया। और ख्याल रहे, एक भी झुर्री दिखी ना तो तुम्हारी गर्दन पे तलवार से झुर्रियां बना देंगे हम। पर क्या है ना, ना सुनने की आदत नहीं है हम। दाई जान आ गए। इस बार कहां भटकने गए थे जल्लू? जल्लू नहीं दाई जान, जलाल कहिए, अब हम बड़े हो गए। अच्छा ठीक है, और तुम गए कहां थे जल्लू? यूं ही चौराहे तक। चौराहे तक? वहां कौन सी? ये क्या है? क्या है? कपड़ों के ऊपर। कपड़ों के ऊपर धूल है। और जल्लू, तुम्हें हिंदुस्तान का नहीं तूलिस्तान का बादशाह होना चाहिए। तुम ऐसे आम आम के साथ तुम क्या घूर रहे हो ऐसे? चुपचाप चित्र बनाओ। दाईजान, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दाईजान, ये बताइए हमारी रियासत में प्याज की फसल कैसी हुई है इस बार? प्याज? हाँ। अब हमें और नाराज मत करो। ये क्या है? ये बदबू कैसी है? ये आम इंसानों वाली बदबू। फौरन जाओ जलाल, नहा के आओ, जाओ। दाईजान पर इस वक्त नहाना? ना नहीं निकले जल्लू। हम जानते हैं कि आपको ना सुनना पसंद नहीं है, तो जाते हैं हम। अच्छा जल्लू रुको ना, जाने से पहले मेरी खूबसूरत तस्वीर तो देखते जाओ।
कह रही है दाई जान तो देख लेते हैं। आइए आइए देखिए देखिए आइए। तो कैसे लग रहे हैं हम इस चित्र में? 80 साल की बुढ़िया लग रही हैं आप। क्या 80 साल की बुढ़िया तो हमारी परदादी की दादी भी नहीं है। 100 कोड़े मारो इस मर्दूत चित्रकार को। हजूर, जोड़ तोड़ करके प्याज की फसल इस बार बहुत अच्छी हो गई है। क्या? और राजधानी के इलाके में तो पूरी 10 लाख सेर प्याज की फसल हुई है। अच्छा, हटो। तभी तो मैं कहूँ, मंडी में प्याज इतनी सस्ती क्यों है? ये तो सब ऊपर वाले का रहम है हुजूर। ऊपर वाले का नहीं खुशामदी लाल, ये किसी नीचे वाले का करम है। तभी तो इतनी पैदावार होने के बावजूद बाजार में प्याज का दाम आसमान से ऊंचा है। जिले हिला 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 ही। भाई बाप, वो फतेहपुर सीकरी के नए बाग का नक्शा आ गया है। नक्शा किधर है? नक्शा किधर है? पीछे है, पीछे है। आ रहा है, आ गया है, रक्षा आ गया है। बस हुजूर, इस पर एक बार तो नजर डालिए। देखो देखो, फूल है, बगीचा है, कबूतर है, मीठू। कमाल करते हो खुशांदी लाल। हम यहाँ प्याज की बात कर रहे हैं और आप हमें नक्शा? हटाओ इस नक्शे को। बेटा जलाल, जलाल बेटा। मिर्जा साहब इधर। हाँ बेटा जलाल, अब ये प्याज के भाव तो घटते बढ़ते रहेंगे। अब तुम ये छोटे मोटे मसले जो आवाम के हैं उसमें अपना माथा मत खपाओ। देखो ना नक्शा, मैंने तुम्हारे लिए बागीचे में चुन चुन करते हुए फव्वारे लगवाए हैं। हमारे दिमाग का कचरा मत कीजिए चाचा जान। जब तक हमें प्याज के राज का पता नहीं। हम समझ गए जल्लू। दाई जान, दरबार में सबके सामने तो कम से कम हमें जल्लू मत बुलाइए। ठीक है, नहीं बुलाएंगे जल्लू। हाँ? ये जल्लू सुनने में कितना पिल्लू जैसा। और तुम इतना प्याज प्याज क्यों कर रहे हो? बड़े दिनों से प्याज के पकौड़े नहीं खाए ना। ये लो। पर दाईजा हमें और तुम्हें प्याज की इतनी पड़ी है तो ठीक है, हम ईरान से 4 जहाज प्याज के मंगवा कर आवाम में बंटवा देंगे। मिर्जा। हाँ हाँ माँ, आपने कहा और हो गया। क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा। जिले हिला 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 जापना। इसके लिए शाही खजाने का लाखों करोड़ों का खर्चा हो जाएगा ना। ना सुनने की आदत नहीं है हमें। बरदाई जान, जब हमारे यहाँ प्याज की इतनी पैदावार हो रही है तो हम बाहर से प्याज क्यों मंगवाएं? कहाँ गए सारे प्याज? हम किसानों से मिलना चाहते हैं। हाँ मिलेंगे मिलेंगे, किसानों से भी मिलेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, आप तो घोड़े पे सवार हैं। फिलहाल आप पकोड़े खाइए। और प्याज एक ऐसा मसला है जो एक दिन में कोई सुलझा नहीं सकता। हाँ लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक दिन में प्याज के दाम गिरा जरूर सकता हूँ।
कुलभूषण बोल खरबंदा। मेरे घर में तो अब दो प्याजा भी बिना प्याज के बनने लगा है। तरस गए प्याज को। एक वक्त आएगा जब दिवाली पे लोग महंगी मिठाई के बदले महंगी प्याज भेंट करेंगे एक दूसरे को। जलाल भाई हमें सुनिए ना। इन्हें क्या हुआ? तुम्हारे इत्र का कमाल आजम। हमने नया इत्र लगाया है, कुकुर मुत्ते का बना हुआ। पसंद आया आपको? बहुत बढ़िया आजम। आजम एक काम करोगे हमारा? तुम मंडी जाओ, वहां पे चौक पे तुम्हें एक आदमी दिखेगा, उसके हाथ में एक दूरबीन होगी। उस आदमी को यहाँ लेकर आओ। अभी? ना बाबा ना, इतनी धूप है बाहर, हमारा तेल निकल जाएगा और हमारे बाल खराब हो जाएंगे। उफ को रख अपनी जेब में। हाँ? और छाता लेके जा अभी के अभी। जलाल भाई अभी नहीं, बहुत धूप है। आजम भाई सांसें बची हैं? भाई जान चलो। अरे क्या भाई जान, इतनी गर्मी थी बार, देखो कितना पसीना आ गया मुझे। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ लोगों को जन्नत का रास्ता दिखा रहा था। जिसको जाना है जाए, मैंने किसी को रोका थोड़ी है। सिपाहियों छोड़ दो इसे। धन्य, मैंने आपको कहीं पहले देखा जरूर है। चेहरा थोड़ा इधर करिए, थोड़ा इधर की। अबे तू उधारी के पकोड़े खाने वाला। अच्छा लग, ये सिर पे क्या लगा के घूम रहा है?